महाराज समानाधिकारी द्वारा यहाँ आदेश तथा सूचना मिली हुई है कि विलेज कुमार के सरपंच के घर पर 7 टूरिस्ट छुपके बैठे हुए हैं। उन टूरिस्ट को ढूंढ निकालना या बर्बाद करने की जिम्मेदारी निर्जा घातक प्लाटून को दी गई है। शौर्य, वीरता, साहस, पराक्रम और अदम्य उत्साह से भरे कई वीर सपूतों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपना सब कुछ मां भारती पर निछावर कर दिया। कितने ही देशभक्तों ने बिना अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की रक्षा के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दे दी। ऐसे ही वीरों के जोश, जज्बे और जुनून को सराहने के लिए कई वीरता पुरस्कार भी दिए जाते हैं। ऐसा ही एक पुरस्कार है अशोक चक्र। आज हम आपको शांतिकाल के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार से जुड़ी कुछ अहम बातें बताने जा रहे हैं। साल 2019 कश्मीर के शोपियां में आतंकवाद रोधी अभियान के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले लांस नायक नजीर अहमद वानी को अशोक चक्र से नवाजा गया। लांस नायक वानी को मरणोपरांत दिए जाने वाला अशोक चक्र शांतिकाल के दौरान प्रदान किए जाने वाला सबसे सर्वोच्च वीरता सम्मान है। अधिकारियों ने कहा कि 38 वर्षीय वानी पिछले 25 नवंबर को मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। वो साल 2004 से सेना में शामिल हुए थे और भारत सरकार ने उन्हें सम्मान साल 2019 में दिया। वो राष्ट्रीय राइफल्स में कार्यरत है। साल 2018 में ये पुरस्कार जाबाज जवान कर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला को मिला। वो भारतीय वायुसेना में कार्यरत थे। मरणोपरांत उन्हें इस सम्मान से नवाजा गया। साल 2016 में शांतिकाल का ये सर्वोच्च सम्मान भारतीय सेना के 2 वीर सपूतों को मिला था। एक लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी जो पैराशूट रेजिमेंट की 9वीं बटालियन में तैनात थे, उन्हें ये सम्मान मरणोपरांत मिला। और हवलदार हैंपन दादा, वो भारतीय सेना की असम रेजिमेंट की 35वीं बटालियन में तैनात थे। मरणोपरांत उन्हें ये सम्मान दिया गया। साल 2015 में ये सम्मान नायक नीरज कुमार को मिला। नायक नीरज कुमार सिंह राजपूताना राइफल्स की 57वीं बटालियन में तैनात थे। उन्हें भी ये सम्मान मरणोपरांत मिला। जिस तरह परमवीर चक्र युद्धकाल का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है, उसी तरह अशोक चक्र भारत के शांतिकाल का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है। यह सम्मान उन वीरों को दिया जाता है जो देश की रक्षा के लिए अदम्य साहस, अनुकरणीय वीरता और बहादुरी का परिचय देते हैं। जरूरत पड़ने पर हिम्मत और जज्बे से भरे काम को अंजाम देने पर सुरक्षाकर्मियों के साथ साथ आम नागरिकों को भी अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। उन्हीं में से एक है निर्जा भनौट, जिन्हें अशोक चक्र दिया गया था। अपनी जान की परवाह न करते हुए 23 साल की निर्जा ने 380 लोगों की जान बचाई थी। अशोक चक्र का दर्जा अमेरिका के मेडल ऑफ ऑनर और ब्रिटेन के जॉर्ज क्रॉस के समान है। अशोक चक्र अवार्ड की शुरुआत साल 1952 से हुई थी। इस वृत्ताकार मेडल पर सोने का पानी चढ़ा होता है और बीच में अशोक चक्र बना होता है। अशोक चक्र का रिबन 32 मिलीमीटर के गहरे हरे रंग का होता है और बीच में 2 मिलीमीटर का केसरिया रंग की धारी होती है। अनूठी वीरता का प्रदर्शन और निस्वार्थ सेवा के लिए अब तक 68 लोगों को अशोक चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।